पोहरी विधानसभा में 5 फरवरी से 26 फरवरी तक विकास यात्रा का आयोजन किया गया, जहां विकास यात्रा का शुभारंभ 5 फरवरी को ग्राम पंचायत सलोदा से किया, जिसका समापन 26 फरवरी को ग्राम पंचायत ख्वायवदा में किया गया, जिसमें शासन की जनहितेशी योजनाओं की जानकारी, जन समस्याओं का निराकरण और विकास कार्यों की सौगात दी गई। 22 दिन की सफल विकास यात्रा के दौरान अलग अलग अंदाज में क्षेत्रवासियों द्वारा राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा का स्वागत सत्कार किया। वहीं राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने इस विकास यात्रा के सफल क्रियान्वयन को लेकर शासन प्रशासन सहित क्षेत्रवासियों का धन्यवाद ज्ञापित किया, जहां 22 दिन की विकास यात्रा के दौरान 130 ग्राम पंचायतों सहित 2 नगर परिषदों में सभाओं का आयोजन हुआ। राज्य मंत्री ने 9,11,00,000 रुपए के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। पोहरी विधानसभा में राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा के मुख्य आतिथ्य में गांव-गांव विकास यात्रा निकाली गई, जिसमें राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने शासन की जनहितेशी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ क्षेत्रवासियों को विकास कार्यों की सौगात दी है, जहां राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने 130 ग्राम पंचायतों में 9,11,00,000 रुपए की विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया है, जहां क्षेत्रवासियों की मांग पर कई विकास कार्यों की सौगात आगामी दिनों में दी जाएगी। विकास यात्रा के सफल क्रियान्वयन में आमजन की सहभागिता रही है। विकास यात्रा के दौरान राज्य मंत्री ने 3,000 समस्याओं का निराकरण किया। पोहरी विधानसभा में 22 दिनों तक निकाली गई विकास यात्रा में आमजन द्वारा राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ को 3,900 जन समस्याओं के आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3,000 जन समस्याओं का तत्परता के साथ निराकरण कर समस्याओं का समाधान कर दिया है। वहीं अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। सप्ताह को स्टार्ट किया और आज 26 तारीख को हम समापन करेंगे। आज 22 दिन हमको लगातार हो गए, एक दिन में एबसेंट रहा नहीं, 21 दिन लगातार चला। वो एक दिन इसलिए रहा कि मुख्यमंत्री महोदय जी ने अर्जेंट मीटिंग भोपाल में बुलाई थी, इसलिए एक दिन एबसेंट रहा। 21 दिन में लगातार यात्रा में रहा और जितना जन सैलाब उमड़ा और जितना लाड़ प्यार क्षेत्रों मुझे मिला, मैंने अपनी लाभ में नहीं देखा था, ना मैंने ये सोचा था, क्योंकि उसके पीछे कई कारण थे। इस मुख्यमंत्री की योजना ऐसी ऐसी योजना निकल के आई और लाडली बहन योजना ने तो अति कर दी। पहली बार है कि 500 1,000 और 1,500 महिला सभा में आ रही है और हर महिला इतनी प्रसन्न होकर जा रही है कि भाई ने हमको 1,000 रुपए तो दिया, साथ साथ हमारे नाम का भी नामकरण किया जो लाडली बहन हमको कहा गया। इतना उत्साह लोगों में है और पुरुषों में इसलिए उत्साह है कि कांग्रेस की 50 साल सरकार रही थी, एक भी किसान का कभी सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया था, और सम्मान किया तो इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के किसानों को दिए थे और 4,000 हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मामा ने दिए। इसलिए प्रसन्न किसान था, बहनें भी प्रसन्न थी और एक हुजूम जुड़ा, इतना ऐतिहासिक भीड़ मैंने लाभ में नहीं देखी, बहुत शानदार पूरे विधानसभा मान सम्मान हमको मिला। इस यात्रा के दौरान कितने गांवों का भ्रमण किया आपने और कितने रुपए का विकास कार्य हुआ है? इस यात्रा में मेरे क्षेत्र में 130 पंचायतें हैं और 130 पंचायतों को मैंने कवर किया और साथ में 2 नगर पंचायतों को भी मैंने कवर किया, बेलार और पोरी को। और इस बीच मैंने 9,11,00,000 रुपए के लोकार्पण किए और मेरे पास 3,900 आवेदन आए थे, उनका मौके पर भाई निराकरण किया और ऐसा एक भी आवेदन मेरे पास नहीं आ पाया कि मुझे कलेक्टर जाना पड़ा, भोपाल तक जाना पड़ा। लोगों के नामांतरण, बंटवारा, किताब, छोटी छोटी समस्या थी, बिजली के बिल, सारी समस्या, सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस यात्रा में उन्होंने मेरा भरपूर सहयोग किया, सारी समस्याओं का निपटारा मौके पर किया। इसके लिए शासन की ओर से, मेरी ओर से, मैं प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और पत्रकार साथियों को विशेष धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि पूरे मेरे 5 तारीख से लेकर 26 तारीख तक की जो यात्रा थी, भरपूर मेरा सहयोग किया, समय समय मेरा साथ दिया और जो हकीकत थी उन्होंने उसको छापा। इसलिए पत्रकार साथियों को भी मैं मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जवाहर। एक जो इस समय जो कृषि का काम